हेलो गाइस, तो अभी मैं बैठी हूँ छत पर धूप में। बहुत ज़्यादा ठंड है कोलकाता में, तो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो क्रंच करना लेके श्री राम जी के नाम। तो मैंने ले लिया है 200 सर, बहुत मन कर रहा था क्रंच करने के लिए, तो मैंने एक टूटे हुए 100 सर और एक पूरा 100 सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लग रहा है धूप में बैठे ऐसे क्रंच करने में। इस सॉसर का जो स्मेल होता है और इसका जो क्रंच करने का साउंड है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे इसका क्रंच अच्छा लगता है। ये नहीं कि इसको खाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मुझे इसको, इसका जो साउंड है क्रंच करने के बाद वो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको क्रंच करती हूँ। साउंड लेने के लिए और इसका टेस्ट लेने के लिए मैं इसको बिल्कुल भी खाती नहीं हूँ। ठीक है, और मेरा वीडियो देख के कोई खाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आगे जाके इसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, होगी ज़रूर, 100% प्रॉब्लम है, कोई नहीं रुक सकता है इसको खाने से, प्रॉब्लम होगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैं भी नहीं खाती हूँ। हाँ, इसका फ्लेवर जो होता है ना वो मेरे को अच्छा लगता है, बस इतना ही। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं आपके फैमिली में, जानते हैं क्या आप ये क्रंच करते हैं, ये खाते हैं, ना तैना बहुत कुछ। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है कि परमिशन लिए खाना पड़ेगा या क्रंच करना पड़ेगा, और मैं एक बच्ची भी नहीं हूँ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके लिए परमिशन की कोई ज़रूरत है नहीं, यह आपका पर्सनल डिसीशन होता है कि आप खाओगे क्या, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। उसके बावजूद भी ऐसे कमेंट करके आपको क्या मिलता है मुझे नहीं पता। और हाँ, ये गलत चीज़ है नहीं क्रंच करना, पर अच्छे भी है नहीं, है ना। अच्छा भी नहीं है कि शौक से सबको बता दो मैं ये क्रंच करती हूँ, मैं ये क्रंच करती हूँ। मुझे बस अच्छा लगता है, और जिन लोगों को अच्छा लगता है उनके लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, सबके लिए नहीं। ठीक है, क्या बताऊँ,
सारे क्ले आइटम्स एक तरफ और ये सॉसर और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर, वाओ, जस्ट वाओ। अब देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है, कितना अच्छा, दांतों में जाते ही ये बिस्किट की तरह। बहुत ज़्यादा ही धूप है। मैं फिर से आप लोगों से एक बात दोहराना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। आप लोग क्रंच बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मेरा वीडियो देखिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स राइट।